ओप्पो K1 थोड़ा ब्राइटर है और ओवर एक्सपोजर है, जबकि रेडमी नोट 7 में क्लियर डिटेल इमेज आपको नजर आती है। डिसेंट फोटो ओप्पो K1 की भी है, लेकिन ब्राइटर डिटेलिंग यहाँ पे रेडमी नोट 7 में नजर आती है। ओप्पो K1 में यहाँ पे ब्राइटर है और ब्लर बहुत ही बढ़िया है, कलर प्रोडक्शन और डिटेलिंग रेडमी नोट 7 में बढ़िया होती है। ब्राइट सेल्फी ओप्पो K1 की है, नेचुरल कलर है रेडमी नोट 7 में, लेकिन ब्राइटनेस थोड़ी कम है। इस रेंज में आपको ओप्पो K1 ब्राइटर और ओवर एक्सपोजर दिख रहा है, रेडमी नोट 7 डिटेलिंग क्लियर है और बहुत ही स्मूथ फोटो आई है। ओप्पो K1 यहाँ पे बहुत ही ब्राइटर है, जबकि ओप्पो के मुकाबले रेडमी नोट 7 में विविड फोटो, बहुत ही सुंदर डिटेलिंग और स्मूथ फोटो रेडमी नोट 7 में आई है। तो ये था ओप्पो K1 और रेडमी नोट 7 का कैमरा कंपैरिजन, आपने देखा ही होगा। आई थिंक आप सभी को पसंद आया होगा। तो डिटेलिंग और कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा ब्राइटर और ओवर एक्सपोजर ओप्पो K1 है, और अगर स्मूथनेस के मामले में, डिटेलिंग के मामले में, क्लैरिटी के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेडमी नोट 7 थोड़ा अच्छा नजर आता है। तो ये थी कंपैरिजन कैमरा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, ऐसे वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।